हाय सेमी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बच्ची हुई चार रोटी का लड्डू बनाएंगे। ये चार रोटी मेरे पास कल की है, रात की बची हुई मैं बारीक बारीक तोड़ के जार में डाल दूँगी। जार में डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। आइए पहले हम रोटी को तोड़ते हैं बारीक बारीक करते हैं। देखिए मैंने इसको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ के जार में डाल लिया। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। देखिए हमने इसको पीस लिया बारीक। अब हम इसको कढ़ाई रख के कढ़ाई के अंदर डालेंगे। ये अच्छे से सेक चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हमने, वो डाल के थोड़े से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी रोस्ट कर सकते हैं, चाहे तो घी में भी रोस्ट कर। मैं घी में करूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला, इसको फ्राई कर लूँगी इसके अंदर। अक्सर हमारी रोटियां बच जाती हैं। आप चाहें तो इसका पोहा भी बना सकते हैं, पोहा भी बहुत टेस्टी बनता है। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको उसकी भी रेसिपी दूंगी। जब हमारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे जार में डाल देंगे। तो हमने थोड़े से मखाने लिए, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे उसी ऑयल घी में। अब हमने मखाने भी रोस्ट कर लिए। अब हम इसको भी जार में डाल के पीस लेंगे। अब हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे। ये शक्कर हमने पीसी हुई ली है। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। ये दो टीस्पून के करीब, टेबल स्पून के करीब मैं शक्कर डाल रही हूँ। अब हम हमारे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट पीस चुके हैं। अब हम इसको पीस के अंदर मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल, आप जो चाहें। मैंने मखाने लिए, आप चाहें तो मखाने लें, या फिर जो आपका दिल चाहे आप वो ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें खोपरा बूरा डालूँगी। ये खोपरा बूरा है। आप हर चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। दो टेबलस्पून में ले चुकी हूँ, दो और डालूँगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम इसको हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली है, और हमें ये देखना है कि बाइंड हो रहे हैं कि नहीं। हम सोच रहे हैं इसमें एक टीस्पून और घी ऐड कर दें। वैसे तो हमारे लड्डू बन जाएंगे, पर ये एकदम रूखे हो जाएंगे। हम इसमें 1 टीस्पून और टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे। हमने इसमें 1 टेबलस्पून और घी ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला के इसके लड्डू बना लेंगे।
देखिए हमारे अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार है। उसमें हमारे रोटी में नमक भी था, कोई बात नहीं है, नमक थोड़ा सा भी चलता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। ये देखने में खाने में बहुत इजी और बहुत टेस्टी लगते हैं। आप किसी मेहमान के आगे भी रखेंगे तो वो ये शिनाख्त नहीं कर सकते कि आपने रोटी के लड्डू बनाए। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।